हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। एक्चुअली एससीईआरटी दिल्ली डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, उसमें जो है एक सीट मैट्रिक्स का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीट मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कितने से सीट जो है वेकेंट है, कितनी सीटें जो है खाली है, जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी ओनली जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट पे डीएलएड के लिए। एंड फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स में आपको कुछ भी अभी एडिटिंग ये सब नहीं करना। सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट आइडिया मेरे पास ये है फ्रेंड्स कि जब आपका 17 अगस्त को फ्रेंड्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा, एंड उस दिन फ्रेंड्स आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उसी दिन उस कॉलेज में जाना होता है। एंड उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो जब आप फ्रेंड्स उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे जहां आपका नाम आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो फ्रेंड्स उस कॉलेज में या तो मैम होगी या सर, तो उनसे आप जो है एक बार पूछ लें कि सर ये सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है एंड इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कुछ इस प्रकार का शो हो रहा है, तो सर हमें इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एंड इसमें कुछ एडिटिंग करना है या नहीं करना है सर, इसके रिगार्डिंग भी आप पूछ लें सर से, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड वो आपको सही से बता देंगे। सो सबसे बेस्ट आइडिया फ्रेंड्स आपके पास यही है कि जब आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी एंड उस दिन आपको जब जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, तो फ्रेंड्स वहीं आप जाकर कन्फर्म कर लें। सबसे बेस्ट टाइम भी है फ्रेंड्स, आपके पास 2 दिन का टाइम मिला है 17 से 19 अगस्त तक, तो जो 2 दिन का आपके पास टाइम मिला है उसी में फ्रेंड्स आप जो है कन्फर्म कर लें। सो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट नहीं होंगे। अगर फ्रेंड्स आप कन्फर्म नहीं करते हैं एंड फ्रेंड्स इसी डॉट में रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए फ्रेंड्स आप जाकर जो है फाइनली कन्फर्म कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स आप जो है एक बार कॉलेज जाएंगे 17 अगस्त को जब आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा एंड जो कॉलेज उस मेरिट लिस्ट में अलॉट किया जाएगा, तो सबसे बेस्ट आइडिया यही है फ्रेंड्स कि आप उसी कॉलेज में जाकर कन्फर्म कर लें। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मैं अपनी मैम से पूछकर आपको बताऊंगा। सो मेरे पास जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना।